दर्शन हमारे हो चुके हैं, वीआईपी दर्शन अपन लोग कर लिए क्योंकि भीड़ तो 2-3 किलोमीटर के आसपास थी, तो हमने बस चल गया कुछ जुगाड़, तो वीआईपी दर्शन हो गए हम लोग के। अभी करमवीर में, करमवीर और मेरे पहले हो गए, वो लोग अभी जो है वो भी वीआईपी से ही है, लेकिन वो दो दो करके घुसा रहे थे, तो चेक कर रहे हैं। अभी मैं इसको बोल देता हूँ, ये अभी इधर भीमशिला है, ये इधर मंदिर था, पीछे भीमशिला है जो आपने वो पता चली गई होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आए आ रहे हैं, चलो ये पीछे भीमशिला है जो आपको पता चली गई थी कि भाई उस टाइम पे मंदिर के पीछे आ गए, आपदा के टाइम पे पीछे मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस आ रही है। ये पीछे मिल रहा है चरणा अमृत, जो कि जो अमृत जो मतलब जल जो है शिला पे चढ़ता है अंदर मंदिर के, वो यहाँ पे निकलता है, तो इसीलिए इसको चरणामृत बोलते हैं। यहाँ से हम लोग इसको कैन में इसमें डलवा लिया ताकि घर पे भी ले जा सके और थोड़ा थोड़ा पी भी लिया, बहुत ही पवित्र जल है ये। देखो बैक साइड ऑफ केदारनाथ, ये पीछे यार पत्थरों से जो ईटे मतलब मकान से बना रखे हैं यार, मतलब जो भी वो बना रखी है, तो मैं हमारे भाई पूछ रहे हैं विपुल जी, उनका क्वेश्चन है स्पेशली, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये है क्या, है क्या ये, क्यों बनाते हैं मुझे पता नहीं है ना। ठीक है, तो जिस भाई को अगर पता हो या जिसको भी पता हो, हाँ इन तो पिट्ठू खेला करते हम, तो भाई जिसने बेरा हो तो भाई बताइए कमेंट करके। भाई ने बना दिया कपड़ा। अच्छा भाई साहब ने बना दिया क्या, भाई साहब मित्र है, पर अनु तो बता दो क्यों बनाओ। ये है शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति, हम लोग आ गए इनके दर्शन करने के लिए, एक ही बात है गुरु जी भगवान जी सब एक ही है, जिन्होंने केदारनाथ धाम की खोज करी थी। यस, यहाँ पे बर्फ गिरी हुई है वैसे, काफी दिन की बर्फ जमी हुई है, ब्लैक बर्फ है। अब बैठेंगे मंदिर के सामने और कुछ खाएंगे पियेंगे, रील्स बनाएंगे और आराम से शांति से मंदिर को निहारेंगे। अब यही प्लान है कुछ टाइम के लिए और कोई प्लान नहीं। नीचे के लिए और चल दिए हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और होता ही जा रहा है, तो ये हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी जितना उसके जो नीचे एक लोहे का पुल था 1 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पे उतर के चले जाते हैं फटाक से और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं रेस्टोरेंट में, थोड़ा कुछ खाएंगे भी, लंच का टाइम हो चुका है, पेट बहुत ज़्यादा भूखा है, सुबह एक चाय और बिस्किट खा के ही निकले थे अपन लोग, तो ये करेंगे और उसके बाद जाके पूरा भाई ये पहन रहा था, फिर देखते हैं क्या प्लान है। हेलो भाइयों, मौसम ईसा के मतलब मौसम तो घना कुछ हो गया, पहले मैंने बताई थी पिछली वीडियो में बादल कभी घेर लिया था, सब क्या है ना सारे भाई रेनकोट पहन लिए हैं, ओले पड़े हैं भाई साहब लिटरली ओले, बचाया हमने अपने आप को, बचाया है लुक लुक के, ये फटाफट की तरह रेस्टोरेंट में पहुंच गया मैं तो बात बने, भाई भूख बहुत कड़ी लग रही है, दही दुख लग रही है, गोली गाली भी ले लेंगे एक आधी पेन किलर अपने, ताकि नीचे उतर जाए भाई, टाइम बहुत है वैसे अपने पास, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, मौज हो रही है गति, मौज हो जाएगी ओके रिपोर्ट है। हाँ मौसम थोड़ा हाँ सपोर्ट दे दे, बस 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 बस, फिर दिक्कत हो गया। चलो भाई हो सकता है इस, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो वहाँ पे होटल रूम में जाके आए, क्योंकि फ़ोन को रखना पड़ सकता है, इसलिए दोबारा से आ करके बोले आ रही है भाई, बाय 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 भाई। हम निकल लिए केदारनाथ है और जाम इतना ज़बरदस्त लाग रहा है ना मित्र, के बताऊँ मैं, मत बता उस्ताद बहुत ज्यादा जाम लग रहा है, बहुत ज्यादा और भीड़ भी बहुत बढ़िया ऊपर, मात्र 6-7 किलोमीटर का जाम है। हम तो यार पूरा रास्ता जो हमने मतलब उतरे हम चढ़ाई पे, वो भाई साहब
पूरा बीजते आए हम इतनी जगह। मिर्च मसाला लेना पड़ेगा भाई, भाई दीपू नु कह मिर्च मसाला बहुत जरूरी है वीडियो में, ये लेना पड़ेगा। 200 अभी रुक गए हैं रोड के साइड में, भाई लोग अपनी रील वील बनवा रहे हैं, थोड़ी सी स्नैप्स बनवा रहे हैं। अपन ने भी चश्मे वश्मे निकाल लिए क्योंकि अब धूप स्टार्ट हो गई है, पीछे मस्त नदी जा रही है बाबा। मित्र गए हैं अपने ऋषिकेश वाले कैंप में, थोड़ा नीचे आके था, एक दोस्त है जो हमारे साथ आया हुआ, दीपू उसी का फ्रेंड है, उनका ये कैंप है, उसी में हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे। भाई साहब नदी में से ट्रैवल करके आना पड़ा गाड़ी से, क्योंकि ये जो मेन रोड जो छोटा सा इनका जो रास्ता था वो रास्ता शायद कह रहे कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, इसलिए नदी में से वो बंदा हमें खुद लेने के लिए आया पुल पे, वहाँ से हम लोग आए हैं उसके साथ। तो अभी क्या है पूल वगैरह वो भरवा रहा है, आधा पूल भर चुका है, आधा बचा हुआ है, उसके बाद पूल में जाके बैठेंगे आराम से रिलैक्स करेंगे, पैरों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। पैर भाई गाड़ी बैठे बैठे बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा है पैरों में, अभी वह घर पे कॉल कर लेता उसके बाद पास। लोकेशन आप लोग देख सकते हो, लोकेशन काफ़ी अच्छा ये वाला पूल है, बाकी अंदर जाऊँगा तो दिखाऊँगा आप लोग को। अपना रूम है आप देख सकते हो, मैं इसको दिखाऊँगा ढंग से आप लोग को। अभी ये ना जो हमारा ये रिजोर्ट है, ये हमारा कैंपिंग एरिया, ये काफ़ी न्यू है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, इसीलिए बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा है। अभी मैंने वॉशरूम यूज़ किया तो वॉशरूम तो बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग है। अभी इसका आउटसाइड का भी दिखाता हूँ, इसे लाइट बंद करके। ये अपना रूम है, आप लोगों को दिखा दिया मैंने, पीछे पूरा 102 से स्टार्ट है, 102 103, ये पूल पीछे जो रेडी हो रहा है हम लोगों के लिए स्पेशली, सही मजा आ जाएगा। ब्रेकफास्ट टाइम चाय मिलेगा, चाय हमें चाय चाहिए हम लोगों को। हाँ भाई मित्र क्या है यार, इधर हो रही है। अभी आ गए हैं हम लोग हरिद्वार की पार्किंग में, ये पीछे खड़े हुए हैं, अभी सामान वामान उतारेंगे, उतारने के बाद जाएंगे हर की पौड़ी पे, हर की पौड़ी के पास ही हम लोगों ने पार्किंग मिली, उसके बाद ये इधर ही खिलौने की शॉप्स वगैरह भी है, तो बच्चों के लिए थोड़ा खिलौना विलौना भी लेने हैं, मम्मी के लिए रुद्राक्ष लेने का है, सब लोग यहीं सब यहीं से कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है, हम ना बचाओ कूद जा तू। भाई एक नंबर का नज़ारा है, बस थोड़ी धूप ज़्यादा है, बाकी सवादार है। कुद्दो भाई कुद्दो, किसी बेचे को देखो पन्निया क्या की क्या करोगे पन्निया का, पर दो ने ना लो, फिर दो ने ना लेंगे। भाई ये वाले हमने कटवा लिए, हमारे लिकड़े हैं एक तीन मुखी और एक पांच मुखी, करमवीर के लिकड़े दोनों तीन मुखी, दो मुखी का है दो, अच्छा वो तीन मुखी तीन तो ये रहा, अरे मैंने आपसे निकलवाए थे वो कहाँ है, कौन से कितने मुखी तीन, तीन चार वाले चार का एक और दो। जस्ट घर पे पहुंचे हैं, अभी रूम पे आकर थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, सुबह से चल रहे हैं ऐसे, मतलब सुबह से क्या मतलब तीन चार दिन से जब से गए तब से गाड़ी में चल ही रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, तो अभी ये है कि थोड़ा रिलैक्स करेंगे मस्त अपने बेड पे पड़ के, आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। और अगर आप लोग को कोई भी केदारनाथ यात्रा पर अगर आप इस साल जा रहे हो या कोई भी क्वेरी हो अगर उस यात्रा से रिलेटेड, तो आप मेरे को DM कर सकते हो,
अभी आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, जय बोले बाबा की।